नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेशन आपको देना है और बड़ी ही अच्छी। जब हम यूट्यूब पे आए थे तो सिंपल जैसे होता है, जितने भी यूट्यूबर एजुकेशनल है जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही हम भी चल रहे थे। बस उनमें और हम में सिर्फ इतना सा फर्क था कि वो कुछ वीडियो को ब्लॉक करके रखते थे, आप अगर पैसा देंगे तो उनका ओपन होगा, और हमारे साथ ये था कि नहीं, हमारी वीडियो जब तक है जान एकदम फ्री रहेगी, चाहे जब तक हमारी जान रहेगी जितनी वीडियो हम बना सकेंगे सबके सब फ्री रहेगा। स्थिति बदलते गई, आप लोगों का प्यार बढ़ता गया, उसके बाद आप लोग ने डिमांड किया कि सर प्लीज ऑफलाइन संस्था ओपन कीजिए। आज अलग बात है कि आप हमें कहते हैं कि सर अब आप भी जो एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दिए, अब संस्था शुरू कर दिए, अब यूट्यूब आपको नाम दिया, पहचान दिया, आपने संस्था तक खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। आप लोगों के प्यार, आप लोगों की दुआ से ही यह संस्था सियोर सक्सेस को मैंने आपके सामने रखा। अब एक क्वेश्चन आती है कि सर सियोर संस्था जो है आपकी सियोर सक्सेस, उसको ज्वाइन करें या कोई और संस्था ज्वाइन करें, आखिर उसमें और आपके संस्था में क्या अंतर है, इसी को थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में बच्चों की तरह। और दूसरी बात, मैं ये कभी नहीं कहने की कोशिश करूंगा आज भी और जब तक मैं हूं कि आप मेरी संस्था में ही एडमिशन लीजिए, लेकिन ये मैं हमेशा कहने के लिए तैयार रहूंगा कि अगर आप किसी संस्था में एडमिशन लेते हैं तो एक बार प्लीज मेरी संस्था में आइए, एक बार। क्योंकि अगर एक बार गलती से भी मेरी संस्था में आइएगा तो आपको दो बेनिफिट मैं करूंगा, और वो पहला होगा आपकी पैसे बर्बाद होने से बचा दूंगा, और आपका सबसे अनमोल रत्न जो टाइम है उसको मैं बचा दूंगा। ये मैं फुल गारंटी के साथ में कहता हूं और ये मैं करके आपके सामने दूंगा, बाकी की मुझे भरोसा नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूं। तो अगर ये दो चीज आपकी बचा दूंगा तो जिंदगी आपकी जन्नत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही दो चीज पे जो है बहुत सारी संस्था है जो बहुत ऊंचा तक चली गई है लेकिन पैसा देने के बाद भी आपको उतना ज्ञान नहीं मिल पाता है। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम आपको बेहतरीन ज्ञान देने की कोशिश करेंगे और बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम आपको सिखाएंगे। पढ़ तो आप रहे ही हैं लेकिन हम आपको, हम अपनी संस्था में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे, आइए चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। संस्था आपसे जुड़ने के लिए तैयार है और आप कहां हैं? हमारी संस्था आपसे जुड़ने के लिए तैयार, यही टाइटल दिया हूं, और आप कहां हैं? कोरोना का एक अच्छा खासा लंबा वक्त बीत चुका है, क्या होगा नहीं होगा इसका अभी तक किसी को अंदाजा नहीं है। यही सच है, आप मानो या ना मानो, क्या होगा कल उसका कोई भरोसा नहीं है, क्यों कोरोना का सोल्यूशन होगा भी, वैक्सीन आएगी भी या नहीं आएगी, तब तक कहां तक क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लॉकडाउन लग रहा है हर एक स्टेट में, कहीं लग भी रहा, कहीं खुल भी रहा, कहीं वीक में लग रहा, कहीं पूरे दिन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो डिजीजेस है, जो प्रॉब्लम है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खैर, इसका समाधान तभी होगा जब वैक्सीन आएगा, लेकिन क्या हमारी जिंदगी रुकी हुई है? हमारी जिंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक नई चैलेंज को फेस करने के लिए हमारी जिंदगी जो है हमसे खुद चैलेंज लेके आगे बढ़ रही है। मुसीबत है, पता है, लेकिन फिर भी एक जान को जो है जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन आपको जो है अपने पढ़ाई के प्रति भी अपने ऊपर जो है रिस्क उठाना होगा। आइए हमारी संस्था में ज्वाइन करने का जो है अगर कीजिएगा तो क्या इससे फायदा होने वाला है उसको बताते हैं। सबसे पहली बात कि हमारी संस्था जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही हमारी संस्था अवेलेबल है। अगर आप किसी कारणवश पैसे की वजह से, या फिर घर में बहुत सारे काम होते हैं, या फिर आपको जॉब में है और हमारी संस्था से आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते, तो ऑप्शन हमने आपको दिया हूं कि आप जो है ऑनलाइन जुड़ जाइए। अगर ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे तो ऑनलाइन जुड़ जाइए। और अगर आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है और अगर चाहते हैं जुड़ना, चाहते हैं कि सियोर सक्सेस के साथ जुड़ के हम भी एसडीएम बने, तो आपको ऑफलाइन जुड़ना चाहिए। क्योंकि यहां पे पैसा मत देखिए ऑनलाइन, ऑनलाइन सिर्फ मजबूरी वालों के लिए है, जिनकी स्थिति वाकई में खराब हो गई है तो वो ऑनलाइन सही है, लेकिन ऑफलाइन में आज भी सक्सेस का पैमाना, रेशियो जो है ज्यादा है। दूसरी बात है कि क्यों सियोर सक्सेस ज्वाइन करें, तो सबसे कम फीस है। ये पटना की बात नहीं कर रहा हूं, अगर दिल से कहूं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं, जी जान लगा के समय पर सिलेबस कवर करवाते हैं और बच्चों को बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से पढ़ाते हैं, बाकी क्लास में लिखना कुछ भी नहीं है, जो भी टीचर आएंगे अपना लेक्चर देंगे और उसी लेक्चर में अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा आसानी से, आराम से
इको फ्रेंडली होके सर से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं है कि सर बड़ा टाई हुई पहन के आए हैं तो भाई बड़ा एकदम है कि नहीं पूछने, नहीं पूछो, क्योंकि टीचर इसीलिए सामने है कि उनसे जो है सवाल आप पूछो, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। टीचर कुछ भी लिखाएंगे नहीं, बल्कि जैसे ही लेक्चर समाप्त होगा जीरोक्स आपको मिल जाएगा उसी लेक्चर का, जो लेक्चर समाप्त हुआ। मान लीजिए कि अभी जो है आपका पॉलिटी समाप्त हुआ, पॉलिटी में राष्ट्रपति समाप्त हुआ, तो राष्ट्रपति अच्छे से टीचर समझा देंगे, कोई डाउट होगा उसके बाद पूछिएगा टीचर से, उसी क्लास में ही क्लियर करेंगे। अगर लगेगा कि क्लास में ज्यादा आपको डाउट है तो लाइब्रेरी बनाए हुए, लाइब्रेरी में जाके टीचर से बैठ के आप आसानी से बात कीजिएगा, टीचर आपको समय देंगे। इसके साथ साथ में आगे नेक्स्ट जो है कि समय पर जो है हम सिलेबस कवर करवाने के पूरी तरीके से कटिबद्ध है। बहुत ऐसी संस्था है जहां पे आप लोग भी पढ़ चुके हैं, और ये कोई मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, हर्टली कर रहा हूं, थोड़ी कड़वी लगेगी, थोड़ी मजाक लगेगी, लेकिन दिल की बात है। हम सिलेबस जो है एकदम टाइम पे खत्म करेंगे। जिस चीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, फाउंडेशन में, एकदम टाइम टू टाइम होगा। जो टाइम मैंने कह दिया हूं उस टाइम पे हमें खत्म करना है तो करना है, इसके लिए पूरे तरीके से हमारी जिम्मेदारी है। हां, आज तक आपको लगता होगा सुजीत सर आपसे पहले पटना में बहुत बड़े बड़े संस्था हुए, आज तक उसने टाइम पे खत्म ही नहीं किया, आप कैसे कर दिएगा? एक बार एडमिशन तो लेके देख लीजिए, छोड़िए ना एडमिशन, 10 दिन पढ़ के तो देख लीजिए, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि वाकई में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जा रहे हैं, यह संभव है कि समय पे सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो है आपका जो फी का है, सबसे प्रॉब्लम फी की होती है कि सर हर जगह जाते हैं 50% दे दीजिए। आगे में रिसेप्शन में एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की बैठी होती है, हर जगह की यही संस्था का एक नियम है, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन दिल की बात है, उसको इसीलिए बैठाया जाता है कि अट्रैक्ट करो। लेकिन क्या उसके अट्रैक्ट करने से आप एसडीएम बन जाइएगा? एक मिनट जिंदगी को रोक के पूछिए। हम भी वही करते हैं, हम भी कोई एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, लेकिन आपको सच बता दें कि हम जो रिसेप्शन पे बैठाए हुए हैं वो मेरी छोटी बहन है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो मेरी छोटी बहन है, उसको हम बैठाए हुए हैं क्योंकि उसको लगता है कि इधर उधर कर रही, तो उससे बढ़िया मेरी संस्था में बैठो, हेल्प करो लोगों की। तो वहां पे बैठा हुए उनको बस यही करना है कि जो भी है सिलेबस, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, फाउंडेशन को, बच्चों को बताइए, जो भी कॉल कहीं से हिंदुस्तान के किसी भी शहर से आ रहा उसको कनेक्ट कीजिए, उनकी जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, बस इतना ही सा काम है। और पैसे की बात हुई तो इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दीजिए। ऐसा नहीं है कि सर 50% जमा कर दीजिए आफ्टर 7 वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक के बाद जो है आपको 50% देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मंथली देना चाहे तो आप मंथली दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। अब ये क्वेश्चन उठते ही आपके दिमाग में लगेगा, लगता है कि सर आपके पास बच्चे नहीं, बच्चे बहुत हैं, सच्ची बता रहा हूं, लेकिन ये सुविधा इसलिए देता है क्योंकि हम बिहार से हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मैं ये नहीं चाहता हूं औरों संस्था की तरह कि एक बार आपका पैसा ले लूं, मेरे पास पैसा चला है, उसके बाद जो है टाइम पास करना शुरू कर दूं और फिर आप मुझे बद्दुआ दो। मैं वो बद्दुआ लेके जिंदगी जीना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप 1 महीने का पैसा फी करो, पढ़ो, अच्छा नहीं लग रहा दरवाजा खुला हुआ बाहर चले जाओ, कम से कम बाकी पैसा तो बच गया। और अगर बाहर तभी जाओगे ना जब हमसे कोई अच्छा पढ़ाएगा, बाहर तभी जाओगे ना जब हमसे कम पैसे में पढ़ाएगा, बाहर तभी जाओगे ना जब हमसे कम समय में सिलेबस को कवर करवा देगा, तभी ना, वो कहीं है ही नहीं है, तो फिर लौट के तो हमारे ही पास आना होगा। ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं सर? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूं, अपने ईमानदारी की बल पे कह रहा हूं, जिस तरीके से हम रात दिन मेहनत करते हैं बच्चों के लिए उसके बल पे कह रहा हूं। तो एक चीज है, इसीलिए इंस्टॉलमेंट में मैं लगा कर रखा हूं कि आप दिल करे तो दीजिए, नहीं दिल करे तो चले जाइए, खुला हुआ दरवाजा, आप भी खुश हम भी खुश, जितना पढ़े उतना ही पैसा, ताकि आप जो है हमारी जो ज्ञान थी हमने जो आपको दिया उतना पैसा हमको दे दिया, बाकी आपको नहीं पढ़ना तो छोड़ दीजिए संस्था, दूसरी संस्था में चले जाइए, अगर वो हमसे अच्छा पढ़ाएगा तो वहीं पढ़िएगा, और लौट के आइएगा तो मैं आगे की फीस मांगूंगा आपसे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं कि हमारी संस्था में एडमिशन लेना बड़ा आसान है, किसी तरीके का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन जब हमारी संस्था में आप एडमिशन ले लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मुसीबत शुरू हो जाएगी। आपको रात दिन बेचैन कर दूंगा, वैसे ही जैसे बेचैन मैं रहता हूं। पर डे टेस्ट होगा, पर डे ग्रुप डिस्कशन होगा, और पर डे जो काम दिया जाएगा उसको करके लाना होगा, और अगर आपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दिए तो भरी सभा में आपकी बेइज्जती होगी। क्लास में बैठे लड़का लड़कियां रहेंगे और टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया तो वहां आपकी बेइज्जती होने वाली है, फिर आप भूल जाइएगा कि आप एसडीएम हैं या एसडीएम बनने वाले हैं।
या कोई और पोस्ट पे हैं या बड़े घर के औलाद हैं, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमने आपका पैसा लिया हूं और सच बात यह है कि आपका पैसा नहीं है, आप एक बेरोजगार हैं, आपके फादर का पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे हमें आपके फादर का जो पैसा लिया हूं उससे कई गुना ज्यादा हमें आपको ज्ञान रिटर्न करना है। सक्सेस और अनसक्सेस वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, मेहनत करना हम दोनों के हाथ में है। थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलेंगे, सफर पूरा करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग के अंदर जरूर रखिएगा कि डेली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा और पर डे ग्रुप डिस्कशन होगा। जो आज पढ़ाई हो गया है उसका कल जो है, या फिर लास्ट में जो इवनिंग जो क्लास खत्म होगा तो आधे घंटा आपको ग्रुप डिस्कशन करना होगा, जिससे कि आप अगर इंटरव्यू में जाइएगा तो बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़े। अभी दो दिन से तीन दिन से जो है इंटरव्यू करवा रहा हूं, मॉक इंटरव्यू 64th का। मैं देख रहा हूं बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं देख रहा हूं कि बच्चे को पता है लेकिन कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। सब कुछ पता लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां जो है वो कर रहे हैं, कुछ किन्हीं को बोलने में दिक्कत हो रही। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि खराब है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो हमें को ही निकालना होगा उन बच्चे को बता के। तो वो कमियां हम यहीं पे ग्रुप डिस्कशन में ही निकालेंगे, ताकि वहां पे आगे जाने के बाद में ना रह सके। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। हम लोग जितने भी हम हो, दीपक सर हो, ये बाकी जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं, हम लोग की सबसे प्राथमिकता यही है, हम हो या दीपक सर हो, दोनों बचपन के मित्र हैं, दोनों साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर दिल्ली में आईएएस की तैयारी सब कुछ साथ में किए, लेकिन हम दोनों के दोनों अनसक्सेस होने का सिर्फ एक ही रीजन निकला कि हमने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी नहीं दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए था तो शायद हम इस फील्ड में नहीं आते। हम दोनों ने यही चीज रियलाइज किया कि सुजीत सर अगर डिसिप्लिन में हम लोग रहते, टाइम टू टाइम अगर अपने काम को अंजाम देते ना, तो शायद हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। और वही दिन आपको ना दिखाने के लिए हमने डिसिप्लिन को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। डेली अटेंडेंस होगा, आप कहां है उसका जवाब देना होगा। आपके अपने पापा से मुझे बात करवाइए, क्या वजह रही कि कल आप एब्सेंट रहे, सच है या झूठ है ये सारी। उसके बाद जब क्लास में इंटर कर जाइएगा तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा, जैसे मेरा होगा, मेरा भी स्विच ऑफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑन आप रखिएगा और अगर मैं अपना मोबाइल ऑन रख दूंगा तो सोच सकते हैं कि पढ़ाने से ज्यादा मैं कॉल अटेंड करते करते परेशान हो जाऊंगा। इसलिए मेरा भी स्विच ऑफ रहेगा और आपका भी स्विच ऑफ रहेगा, यानी पढ़ने वक्त पूरे तरीके से मां सरस्वती में डूब जाना है। यही नियम है हमारी संस्था का, थोड़ा डिसिप्लिन तो करना ही होगा, क्योंकि एसडीएम बनना बच्चों का खेल है तब जब डिसिप्लिन में रहिएगा, अदरवाइज एसडीएम बनना तो एक टीढ़ी खीर है, सोचना आपको है जी। नेक्स्ट जो है, सभी विषय के अलग अलग शिक्षक हैं। कई ऐसी संस्था में आपने ज्वाइन किया होगा जहां पे आपको मोह भंग हो गया होगा कि नहीं अब तो सब लूटने वाले हैं। अजी ऐसा मत सोचिए, सब लूटने वाले नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके दिमाग में जो है वो सही है, क्योंकि आप लूटा चुके हैं तो आपको लग सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, अभी नहीं, जब तक हम लोग की जान रहने वाली है। तो सभी विषय के जो है शिक्षक अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी पहले ले लेता हूं, मैं जो हिस्ट्री पढ़ाता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, इसलिए मैं हिस्ट्री पूरा कंप्लीट में करता हूं। ऑप्शनल हिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाता हूं और एक साइंस सब्जेक्ट है जीएस का, उसको मैं पढ़ाता हूं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो साइंस बैकग्राउंड। बाकी जो दीपक सर है वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उनका पॉलिटी है तो वो दो पेपर पढ़ाते हैं, बाकी दूसरे टीचर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, एक टीचर जो है स्टैटिक्स पढ़ाते हैं। मतलब हर फील्ड के अपने एक्सपर्ट जो है, जो इंटरव्यू तक फेस कर चुके हैं, वही सारे के सारे टीचर जो है सियोर सक्सेस में ज्वाइन है, और सब अपना जो काम है पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। बस एक ही है कि बच्चे फी दिए हैं, ध्यान रखिएगा सर, सारे के सारे बच्चे बेरोजगार हैं और पैसे दिए हैं तो इनके पैसे तो नहीं रिटर्न कर सकता हूं, लेकिन इनको ज्ञान ईमानदारी से दिया जाए 100%, ताकि अगर आया मेरे संस्था में तो इसे लग सके कि हां हमें कुछ हासिल हुआ है। नेक्स्ट जो है कि ट्यूजडे से जो है हमारा 66 प्रीलिम्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा और वेडनेसडे से जो है फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता करनी है क्या है, तो आप यहां नंबर देख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर जो है 9015148776। आपसे हटले गुजारिश है कि व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मत कीजिए, वहां पे आप अपना व्हाट्सएप जो भी हो इंफॉर्मेशन लेना हो वहां दे, अगर कॉल करना हो तो नीचे के नंबर 9334710148 पे, और जो भी कॉल करना हो तो हमारी संस्था से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए ही कॉल कीजिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, रिसेप्शन में हमारी सिस्टर बैठी हुई है, अगर आप ज्यादा करते हैं तो परेशान होकर फिर मुझे ही कहती है कि सर आप अपना कीजिए ना, अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना हो तो मेरा नंबर जो है 7667 7571। यहां से हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और अगर कोई सजेशन चाहिए तो आप हमसे लीजिए,
ये दोनों नंबर से सजेशन लेने की कोशिश मत कीजिए, ये दोनों नंबर संस्था का है, थोड़ा सा ख्याल रखिए और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात को जरूर मानेंगे। तो यही था सियोर सक्सेस ज्वाइन क्यों करें इसके लिए, और हम लोग का स्लोगन है, हमने ठाना है बच्चे को एसडीएम बनाना है एनी हाउ हर कंडीशन पे, लेकिन शर्त इतनी है कि आप भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहिए और आज ठान लीजिए कि एसडीएम बनना है तो बनना है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे। तो चलिए हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ चलिए और सक्सेस पे पूरे तरीके से अपना जोर दिखाइए और सक्सेस मिलेगी। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मिला है, आप भी डिजर्व करते हैं, बस वैसा काम करने के लिए शुरू कीजिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और पर्सनल जो है हमारे यूट्यूब पे आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहां आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, इसलिए नहीं कि मुझे फायदा हो, इसलिए क्योंकि वो बच्चे जो किसी गलत संस्था में जाके अपने समय और पैसे बर्बाद कर दें, उसका आप गॉडफादर बनिए, उनके पैसे और वक्त को जरूर बचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।